अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन। ये आज आपका चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक आपके पास लाइट आ रहा है। और इस चैप्टर का नेम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बेसिकली हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट हमारे पास होती क्या है, लाइट हमारे पास किस सब्सटेंस का नाम है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और कहते किसको है लाइट, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट से मुराद कि लाइट किस किस तरह से ट्रेवल करती है, किस किस तरह वो डिस्पर्स होती है, उसका पाथ हुए ये वो, ये सारी चीज़ें और लाइट से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन सी लाइक साउंड। अच्छा बच्चों, पहले मैं पैराग्राफ की रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इस पैराग्राफ में जो बात लिखी होगी वो मैं आपको समझा दूँगी इंशाल्लाह। Light is a form of energy we can see like sound. Light travels as a wave, but unlike sound, light does not depend on vibrations and does not need a material to travel through. Sunlight travels through a completely empty space to reach the earth. As few things give off their own light, including the sun and other stars, light but bulbs, candles and fires. These are called luminous objects. We see everything because the light is reflected from it into our eyes. सबसे पहली बात ये तो ये कि लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। और लाइट और साउंड में एक डिफरेंस है। वैसे तो ये दोनों वेव की तरह ट्रैवल करती हैं, साउंड भी वेव की तरह ट्रैवल करता है और लाइट भी वेव की तरह ट्रैवल करती है, लेकिन इन दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको वाइब्रेशंस चाहिए होती हैं कि वो एक जगह से ट्रैवल होकर दूसरी जगह पे जाए, या फिर उसको कोई मीडियम रिक्वायर होता है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो लाइट है उसको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, उसको कोई वाइब्रेशन या कोई मीडियम या कोई एयर स्पेस इस तरह का कुछ भी रिक्वायर नहीं होता। वो एम्प्टी मीडियम में भी या खाली जगह में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से आपके पास एक एग्जांपल है कि स्पेस है, स्पेस पे कोई भी एयर नहीं होती, लेकिन फिर भी स्पेस में हमारे पास जो सन और मून प्रेजेंट है, स्टार्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से लाइट ट्रैवल करके हमारी अर्थ तक आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं और हमें देखने में हेल्प करती हैं उनको हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, ऐसी चीज़ें जिनसे लाइट जो है वो निकलती है और हमें देखने में मदद मिलती है। अच्छा, हम लाइट से सब कुछ इस वजह से देख सकते हैं कि लाइट जो है वो हमारी आईज़ में आके रिफ़्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ों के इमेजेस, हर चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। डार्क में अगर एक कमरा है वो बिल्कुल डार्क है, ठीक है, उसमें कोई आपके पास लाइट या कोई बल्ब, कोई ट्यूबलाइट, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है आपके पास, और आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, या अचानक लाइट चली जाती है, आप बिल्कुल अंधेरे में, आपको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं तो लाइट्स की जो रेस हैं वो हमारी आईज़ में रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इट्स सो सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइंस। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस एट वेरी हाई स्पीड्स। इट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस। लाइट ट्रेवल्स फास्टर थ्रू ए वैक्यूम सच एज थ्रू स्पेस। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको कोई इधर उधर की डिंगी टेढ़ी मेरी लाइनें नहीं चाहिए होती, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वो डिफरेंट स्पीड्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। जिस तरह अगर आप एयर में लाइट की स्पीड कुछ और है, ठीक है, अगर पानी में जा रही है तो उसकी स्पीड कुछ और है, अगर वैक्यूम में है यानी कि एम्प्टी जगह में, खाली जगह बिल्कुल जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर जा रही है तो उसकी स्पीड कुछ और है, ठीक है। उसकी एग्जांपल है स्पेस, जहाँ पे ना एयर है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है, वहाँ पे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। लाइट जो है वो वैक्यूम में या फिर स्पेस में सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करती है। इट्स स्पीड देन इट्स अबाउट 3 or then 50 यूनिट 100,000 10,000 लाख, ओके 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, या फिर 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड है उसकी वैक्यूम में और ये उसकी फास्टेस्ट स्पीड है। नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन दिस। लाइट कैन ओनली गो थ्रू अ मटीरियल दैट आर ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट सी थ्रू अ ब्रिक वॉल बिकॉज इट्स ओपेक। अब लाइट से ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ आपके पास मूव नहीं कर रही होती, ठीक है। इस यूनिवर्स में लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है।
दूसरी बात ये कि लाइट जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार तो दिखाई दे जाता है, लाइक अगर हमारे पास कोई वाटर बॉटल है या फिर शीशे की बनी हुई कोई चीज़ है, हम उसके बाहर लाइट टॉर्च से लाइट जला रहे हैं, तो हमें उसके अंदर और बाहर दोनों पोर्शंस में लाइट नज़र आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मतलब वो जो अंदर और सिर्फ बाहर से ही नज़र आ रहा होता है लेकिन अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहा होता, आप ओपेक ऑब्जेक्ट जो है, लाइक अगर आपके पास कोई ईंट है या फिर आपके पास कोई दीवार है, तो आप दीवार के आर पार लाइट को नहीं गुजार सकते, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा आपके घरों में शीशे की विंडोज़ लगी होती हैं, उसके थ्रू आपको सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, लेकिन आपकी दीवारों के थ्रू सनलाइट नहीं आ रही होती, आपको ब्लॉक कर देते हैं वो सनलाइट को, तो ये डिफरेंस है इसमें। सम थिंग्स लाइक फ्रॉस्टेड बाथरूम्स विंडोज़ आर ट्रांसलूसेंट विच मीन्स दे लेट सम लाइट थ्रू बट नॉट इनफ टू सी बाय। आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि वो बाहर से कुछ लाइट को अंदर ट्रांसमिट करने देते हैं और कुछ को बाहर ब्लॉक कर देते हैं, इतनी लाइट सिर्फ अंदर आने देते हैं कि अंदर वाले को रोशनी मिल जाए और बाहर खड़ा जो शख्स है वो आपको अंदर से नहीं देख सकता, ठीक है। ऐसी विंडोज़ लोगों ने अपने बाथरूम्स में स्पेशली यूज़ की होती हैं ताकि बाहर वाला उनको ना देख सके और सिर्फ उन तक लाइट पहुंच जाए विंडोज़ के थ्रू। नेक्स्ट इज़ रिफ्रैक्शन, लाइट विल नॉट ट्रेवल थ्रू एन ओपेक मटीरियल बट विल गो थ्रू एनीथिंग ट्रांसपेरेंट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, सच एज एयर, ग्लास और वाटर। वेल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मटीरियल टू अनदर इट बेंड्स और रिफ्रैक्ट्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो ये या तो बेंड कर जाती है या फिर रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्ट का मतलब भी यहाँ पे बेंडिंग ही है। यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इफ़ यू लुक एट अ टैंक ऑफ अ फिश, अगर आप एक फ़िश के टैंक पे देखो तो आपको इसमें रिफ्रैक्शन की अच्छी एग्जांपल मिलेगी। द फिश एंड द बैक ऑफ द टैंक सीम मच क्लोजर दैन दे रियली आर, आपको ऐसा लग रहा होता है कि जो फिश है और जो जिस टैंक में फ़िश है उसका पीछे वाला हिस्सा एक दूसरे से बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। When you go to a swimming pool, the water does not look as deep as it really is. ये भी बात सच है कि आप जब किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं वहाँ आपको पानी दिखने में इतना डीप नहीं लग रहा होता, इतना गहरा नहीं लग रहा होता जितना कि आप जब उसके अंदर पैर रखते हो तो आपको तब पता चलता है कि कितना डीप है। If you put one end of a straight stick in water, it appears to bend where it enters the water. ठीक है, ये एक ग्लास आपको नीचे नज़र आ रहा है पानी का, पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट में वाटर का यूज़ किया है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक पेंसिल रखी है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा डिस्प्लेस है नीचे वाले पोर्शन से, आपको फ़र्क भी अच्छा खासा वाजिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कि यहाँ से ये पोर्शन बेंड हो गया, तो ये है रिफ्रैक्शन। नीचे लिखा हुआ है व्हेन लाइट रेज़ ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर दे स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन दे मेक द पेंसिल लुक बेंट वेयर इट एंटर्स द वाटर, तो ये लाइट की वजह से ही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एग्जांपल्स अबव इज़ दैट अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ मेड इट चेंज डायरेक्शन एज लाइट एंटर्स वाटर और एनी अदर डेंस ट्रांसपेरेंट मटीरियल इट स्लोज डाउन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर स्लोज डाउन फ्रॉम जस्ट अंडर 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड टू अबाउट 25,000 to 50,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को चेंज कर रहे हो तो आपके जो डायरेक्शन है ना लाइट के मूव करने की वो भी चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, फिर उन्होंने नीचे इसी बात को डिजिट्स में भी एक दफ़ा इवेलुएट कर दिया, आप वो भी देख सकते हो, और नीचे एक डायग्राम है ब्लॉक ऑफ अ ग्लास, आप ये भी देख सकते हो कि जो आपके पास रे आई है वो बेंड हुई है, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई है और फिर जाके नॉर्मल पे आई है, सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इफ द लाइट एंटर्स ग्लास इट स्लोज डाउन इवन फर्दर टू बिटवीन अबाउट 150,000 एंड 200,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब अगर हम लाइट को शीशे में से पास करवाते हैं
तो जो इसकी स्पीड है ना वो फर्दर स्लो हो जाती है, ठीक है, फर्दर वो स्लो हो जाती है. रिफ्रैक्शन इज़ द नेम गिवन टू दिस चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. ए रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिफ्रैक्टेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट एज लाइट गोज इन टू अ डेंस मटीरियल सच एज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो कि हमें बताता है कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे कि एयर से वो ग्लास में जाती है. एयर इज़ ए लाइट मटीरियल, ठीक है, वो इतना डेंस मटीरियल नहीं है, हल्का मटीरियल है वो. एयर से जब ग्लास में लाइट जाएगी तो होगा ये कि इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है, यानी कि रे जो है जैसी वो नॉर्मल है ना, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है. उसके बाद एज लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंस मटीरियल, जैसे ही लाइट जो है वो डेंस मटीरियल से पास करेगी सच एज एयर, जैसे कि हवा, इट इज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से जो है ना दूर चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से वो दूर चली जाएगी. ओके बच्चों, ये लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है ये मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये बताता है कि जैसे ही लाइट एक डेंसर मीडियम में जाती है सच एज फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल एंगल की तरफ. और जैसे ही जो लाइट है वो डेंस मटेरियल से बाहर आती है या फिर डेंस मटेरियल की आउटवर्ड मूव करती है लाइक सच एज ग्लास और वाटर, ठीक है. अब क्या होता है कि हमारी जो लाइन है या ये जो हमारी लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर, ठीक है. ऊपर हमने पढ़ा था टुवर्ड्स द नॉर्मल और नीचे हम पढ़ रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल. द नॉर्मल इज़ अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द सर्फेस. अब जो सरफेस से राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल लाइन है ये, ठीक है. इफ़ यू पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज इट एंटर्स एंड एज इट लीव्स द ब्लॉक. अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक ग्लास यानी कि शीशे के बने हुए रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से एक लाइट पास करवाते हैं, एक बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही एंटर होगी वैसे ही वो ना ब्लॉक को लीव कर देगी, ठीक है, पहले एंटर होगी एंड देन उस ब्लॉक को लीव करेगी, यानी कि पहले आप रोशनी अंदर एंटर कर रहे हो देन वो ब्लॉक से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है, यानी कि ब्लॉक को लीव कर रही है. द रे दैट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक इज पैरेलल टू द रे दैट एंटर्ड द ब्लॉक. अब वो कह रहे हैं कि जो ऐसी रे जो ब्लॉक से इमर्ज होगी यानी कि ब्लॉक से बाहर निकलेगी वो बिल्कुल उस लाइट रे के या उस लाइट के पैरेलल होगी, बिल्कुल उसके साथ साथ, यानी कि पैरेलल मतलब उसी सेम एंगल की होगी जो लाइट आपने ब्लॉक में एंटर करवाई थी, ठीक है, यानी कि जो लाइट आपने ब्लॉक में एंटर करवाई थी वो और जो लाइट आप ब्लॉक से इमर्ज करवाओगे वो दोनों, उन दोनों का एंगल जो होगा वो सेम होगा और उन दोनों की डायरेक्शंस और ओरिएंटेशंस जो हैं वो सेम होंगी. तो आज का आपका इतना लेक्चर था, आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो. है ये बहुत इजी टॉपिक्स लेकिन थोड़ा सा लाइट और जो यहाँ के लॉज हैं उनको माइंड में रखना आप, ताकि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़.